हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू उस्ताद मॉडर्न इंडिया को हमने जो है टॉपिक वाइज थ्रो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं सो मॉडर्न इंडिया जो है स्टार्ट uh, में हमने जितने भी वीडियोस किए हैं वो आप प्लेलिस्ट में दे, देख सकते हैं तो इस इसमें हम जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के एम जो हो कर रहे हैं ये जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के एम सी क्यूज़ का सेकंड uh, सेट है तो पहला जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख लीजिए तो पहला जो इसमें जो क्वेश्चन uh, आता है द रिवोल्ट ऑफ एटीन एट लखनऊ वॉज लेड बाय देखिए रिवोर्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन को मुख्तलिफ़ स्टाम सेंटर्स में मुख्तलिफ़ लीडर्स ने जो है लीड किया था तो आपको बताना है कि जो लखनऊ में इसे लीड किसे किया किसने किया था ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपको इसलिए बताता हूँ ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसलिए है कि क्योंकि फिफ्टीन फर्स्ट फिफ्टीन हमने फर्स्ट सेट में किए हैं तो ये हैं सिक्सटीन से हमने शुरू किया है ताकि हमें पता चले कि इसके सारे क्वेश्चंस कितने बने हैं तो तो आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन को लखनऊ से किसने लीड किया था बेगम ऑफ अवध तंतिया तो पे रानी लक्ष्मी या नाना साहेब तो इसका क्या आंसर है इसका आंसर है बेगम ऑफ़ अवध बेगम ऑफ अवध जो वहाँ से लीड करती है लखनऊ से जो अवध है ना वो आज के लखनऊ में पड़ता है इन्हें जो है बेगम इन्हें बेगम हज़रत महल भी कहा जाता है आ, ये जो है अवध के राजा नवाब वाजिद अली शाह की नवाब वाजिद अली शाह की जो है बेगम थी तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे तो सेकंड क्वेश्चन है द रेवोल्यूशनरी वुमन लाइट द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 फिफ्टी 1857 इन अवध वाज फिर से वही क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो अवध में जो है किस वुमन ने जो है 1857 को आ, के रिवोल्ट को लीड किया था आ, लक्ष्मी बाई अहलिया बाई अरुणा आसिफ अलिया बेगम हज़रत महल तो फिर से वही क्वेश्चन है तो इसका आंसर है बेगम हज़रत महल तो क्वेश्चन नंबर थ्री है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कैम फ्रॉम देखिए जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो सबसे ज़्यादा हमें बताने हैं कि जो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स uh, कहाँ से आए थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो uh, इसका आंसर क्या होगा बंगाल बे, अवध बिहार या राजस्थान तो इसका आंसर है uh, अवध तो अवध से ही जहाँ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी वहीं से जो है सब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ़ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज अ लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट अहमद अलाबाद अलाहाबाद से जो है कौन सा लीडर लीड कर रहा था 1857 के रिवोल्ट अपराइजिंग को तो आंसर होगा इसका आंसर होगा इसका मौलवी लियाकत अली मौलवी लियाकत अली नाना साहब जो है ना नाना इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टॉम सेंटर में किसने लीड किया था आ, जैसे आ, हमारे पास हैं ये सबसे पहले आ, नाना साहब तो नाना साहब ने कानपुर से आ, नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे कानपुर से लड़ रहे थे इसी तरह जो हैं दूसरे हमारे पास तांतियार तो पे तांतियार तो पे इसका भी क्वेश्चन आ रहा है अभी मैं नहीं बताऊंगा तो अजीमुल्ला अजीमुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे फैज़ाबाद शायद फैज़ाबाद में कंफर्म करके अभी आपको बताता हूँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु वाज़ द लीडर ऑफ़ 1857 स्ट्रगल हु वाज़ द लीडर ऑफ़ 1857 स्ट्रगल फ्रॉम लखनऊ लखनऊ से जो है कौन था फिर से वही क्वेश्चन तो इसका है आंसर हजरत महल सेकेंड uh, कंफर्म करता हूं हाँ हजरत महल तो नेक्स्ट क्वेश्चन हु कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था सबसे पहले नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे नाना साहब सॉरी नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे नाना साहब कहां से लड़ रहे थे नाना uh, साहब लड़ रहे थे आ, कानपुर से तो वहां से उनका जो आ, कमांडर इन चीफ कौन था आ, उनका कमांडर इन चीफ था तंतया तोपे तो तांत्या तोपे का असली नाम क्या था तांत्यापे का असली नाम वो भी आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ अजीमुल्ला हाँ अजीमुल्ला खान वाज एडवाइजर टू अजीमुल्ला खान जो था ना ये एडवाइजर अभी वो सबसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अजीमुल्ला खान मैंने आपको बताया था कि पता करते हैं तो यहाँ से मैं पता चलेगा कि अजीमुल्ला खान जो है ना किसके एडवाइजर थे नाना साहेब तांतिया तो पे रानी लक्ष्मी भाई या कंवर सिंह तो ये थे नाना साहेब के नाना साहेब और नाना साहेब कहाँ से थे नाना साहेब थे कानपुर से नाना साहब थे कानपुर से जो इस रिवोल्ट को जो वहां से इसको रिप्रेजेंट करते थे तो रानी लक्ष्मीबाई बाई कहाँ से थी और कुंवर सिंह कहाँ से थे कुंवर सिंह थे बिहार से कुंवर सिंह थे बिहार से तो भी का मैंने बता दिया और रानी लक्ष्मीबाई सबको पता होना चाहिए कहाँ से थी आगे चलते हैं विद रेफरेंस टू द रिवोल्टीन फिफ्टी सेवन दैटरेड बाई द फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश देखिए हमें बताना है ये बहुत ही बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस को जो है एक अपने दोस्त ने फंसा के फिर उसको मार दिया तो कौन थे वो थे तांत्या तोपे तांतिया तोपे को जो है इस 1857 के रिवोल्ट में अपने फ्रेंड ने ही धोखा देकर ब्रिटिश के हाथों मरवाया तो वो उसका जो दोस्त था वो गद्दार दोस्त कौन था वो थे वो था मान सिंह चीफ ऑफ नरवार वो था मान सिंह, मान सिंह, जो था चीफ ऑफ मारवार चीफ ऑफ नरवार तो इनको जो है इन्होंने वहां से ब्रिटिश के हाथों पकड़ा के और आ, 18, 18th अप्रैल आई थिंक एटीन अप्रैल को जो है फिर उनको मार दिया गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंगीडर से पांडुरंग रामचंद्र पांडूरंग इनमें से किसका नाम था तो ये थे इसका मैंने अभी आपको बताया ये थे तांत्या तो रामचंद्र पांडुरंग था नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इंडियन वायर एश्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858 फिफ्टी एट विच एम द फॉलोइंग एश्योरेंस वॉज फुलफिलड बाई द गवर्नमेंट देखिए जब ये रिवोल्ट ख़त्म होता है ना उस टाइम जो है ब्रिटिश क्वीन ने बहुत सारे एश्योरेंस क्वीन प्रोक्लेमेशन थी उसमें बहुत सारे एश्योरेंसेज uh, दी इंडियंस को इनमें से उन एश्योरेंस में से इनमें से, इन से, इन से, इन से, इन से उसने कौन सा जो है फुलफिल किया तो सो so, सबसे पहला है द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन रूलवर्स वुड बी Equal treatment would be given to all subjects as Indians and Europeans. There would be no interference in the social and religious beliefs of India. So इसमें से आंसर कौन सा था इसमें से उन्होंने सबसे जो अच्छी तरह से जो है फुलफिल किया वो था कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को छोड़ दिया कि अब जो है पॉलिसी ऑफ क्योंकि अब वो सबको सारे इंडिया को जो है अपना मानते थे तो अब एनेक्सेशन करने की क्या जरूरत थी नेक्स्ट चलते थे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार अभी मैंने बताया कि बिहार में जो है इनका, इनका लीडर कौन था अगर आपने लीडर्स की लिस्ट नहीं बनाई है तो आप लिख लीजिए जनरल बख्त खान जो थे वो दिल्ली से थे दिल्ली से जो थे दिल्ली से जनरल बख्त खान जनरल बख्त खान और कानपुर से थे कानपुर से थे नाना साहेब जो मैंने अभी बताया और इसके बाद है लखनऊ लखनऊ से थी बेगम हज़रत महल बरेली से थे खान बहादुर बिहार से थे कंवर सिंह फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला और झांसी से थे रानी लक्ष्मी बाई लीडर ऑफ रिवोल्ट तो आपको पता चल गया होगा कि जो है बिहार से कौन था बिहार से कंवर सिंह कुमार सिंह थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Who, uh, following, following 1857? इनके बाद जब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन होता है तो एक कमीशन सेटअप किया जाता है कि आप बताओ कि आर्मी में कौन कौन सी रिफॉर्म्स uh, लाने हैं तो कौन कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन पील कमीशन हंटर कमीशन असाइमेंट कमीशन बिल्कुल इजी है ये था पील कमीशन तो इन्होंने जो पी जो आ, सर ये थे आ, आ, ये कमीशन जो था इन्होंने जो है एक खास रिकमेंडेशन दी थी कि एक तो ये है कि जो जो भी जहाँ जहाँ जिस जिस रेजिमेंट ने भी रिवोल्ट किया था उनको एबेंडन किया जाए उनको ख़त्म किया जाए दूसरा ये कि इन्होंने कहा था कि जा, चार जातियों पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो एक तो पंजाबीज पंजाबीज़ थे जाट्स थे पठानस थे और थे आ, आ, ये क्या बोलते हैं इनको वन सेकेंड का नाम क्या है गुरखास हाँ गुर्खाज. एक तो थे आ, एक तो पठान थे जाट थे राजपूत थे और गोरखा थे आ, पठान थे जाट थे राजपूत थे और गोरखा थे इन पे जो है ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है लेकिन ये लीडरशिप के काबिल नहीं है हाँ ये लड़ने के काबिल बहुत अच्छे हैं तो इन चार जातियों को जो है ज़्यादा इसलिए हम देखते हैं कि पंजाब राइफल्स भी देखते हैं गोरखा राइफल्स भी देखते हैं जाट राइफल्स भी देखते हैं तो इन इस इस तरह से जो है ना इन पे जो है ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा ज़ोर दिया था कि ये जो है ये इन पर भरोसा भी किया जा सकता है और ये अच्छे अच्छे फाइटर्स भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द रिवोल्टीन फिफ्टी सेवन द ब्रिटिश फ्राम यही वो क्वेश्चन है कि पीएल ने किन को जो है प्रेफरेंस दी थी ब्रह्मन ऑफ यूपी बेंगालीज एंड उज फ्राम ईस्ट गोरखा सिख एंड पंजाबीज ये इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टिंग ओवर ऑफ़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन तो वन डिड क्वीन विक्टोरिया डिकलेर द टेकिंग ओवर ऑफ़ उन्होंने कब ये डिक्लेयर किया था कि हम जो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आ, टेक ओवर कर रहे हैं उन्होंने फ़र्स्ट नवंबर एटीन फिफ्टी एट थर्टी फर्स्ट दसम्बर एटीन फिफ्टी सेवन या सिक्सटी जनवरी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी एट या सॉरी एटीन फिफ्टी एट होना चाहिए था यहाँ पे तो सेवनटीन नवंबर एटीन फिफ्टी नाइन तो इसका आंसर है फर्स्ट नवंबर एटीन फिफ्टी एट फर्स्ट नवंबर को जो है जो इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब जो है सारा जो uh, इन्होंने टेक ओवर किया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इन असम असम से जो है कौन लीडर था दीवान मनीराम दत्ता कंदर पेशवर सिंह या पुरंदर सिंह या प्याली बरुआ कौन था लीडर जो लीड कर रहा था असम से तो इसका आंसर है दीवान मनी दत्ता ये वाला दीवान मनी दत्ता जो है लीडर थे लीडर ऑफ रिवोल्ट थे 1857 के फ्रॉम असम तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए और लाइक नहीं किया अगर आप कोई भी सजेशन चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो